अयोध्या का भव्य राम मंदिर हो या दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी, गुजरात में बना दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हो या देश का सबसे लंबा ब्रिज धुबरी फुलबारी, रिलायंस की सबसे बड़ी जामनगर रिफाइनरी हो या दिल्ली का लोटस टेम्पल, पता है इन सब चीजों में कॉमन क्या है? इन सबको एक ही कंपनी ने बनाया है, नाम है L&T। इंडिया के डिफेंस का मामला हो या फिर कोई भी स्पेस मिशन, इन जैसे सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स के लिए भी भारत सरकार सबसे ज्यादा भरोसा इसी कंपनी पर ही करती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि नाम से विदेशी लगने वाली इस देसी कंपनी में ऐसा क्या है कि हमारे देश के हर बड़े प्रोजेक्ट में इसका इन्वॉल्वमेंट रहता ही रहता है। इस कंपनी का ऑनर कौन है और क्या क्या चैलेंजेस फेस करके L&T आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंची है, चलिए आज की इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है सॉरेन क्रिस्टियन टुब्रो नाम के एक आदमी से, जो कि एक सिविल इंजीनियर थे और डेनमार्क की एक कंपनी FLSmidth & Company में काम किया करते थे। अब चूंकि FLSmidth इंडिया की सीमेंट फैक्ट्रीज के लिए मशीनरी और इक्विपमेंट सप्लाई किया करती थी, इसीलिए साल 1934 में ये कंपनी क्रिस्टियन टुब्रो को भारत भेजती है ताकि वो मशीनरीज को इंस्टॉल करके उसके फंक्शंस को समझा सके। इसके चार साल बाद यानी 1938 में यही सेम कंपनी हैनिंग हॉल्क लार्सन नाम के एक केमिकल इंजीनियर को भी इंडिया भेजती है, जो कि इत्तेफाक से टुब्रो के पुराने स्कूलमेट निकल जाते हैं और फिर एक साथ काम करने के दौरान इनके बीच बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। अब इंडिया में रहते टाइम ही एक बार ये दोनों दोस्त छुट्टियां मनाने के लिए माथेरान जाते हैं, जो कि मुंबई के पास बसा एक हिल स्टेशन है। वहाँ टुब्रो लार्सन से कहते हैं कि इंडिया में इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का बहुत ज्यादा स्कोप है और अगर इस देश को अंग्रेजों से आजादी मिल जाती है तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ के और भी ज्यादा मौके मिलेंगे। और दोस्तों, इसी पोटेंशियल का ही फायदा उठाने के लिए ये दोनों दोस्त साल 1938 में एक ओरल एग्रीमेंट के जरिए मुंबई के अंदर अपनी कंपनी लार्सन एंड टुब्रो यानी कि L&T की शुरुआत कर देते हैं। ओरल एग्रीमेंट का मतलब है कि कंपनी को अभी लीगली रिटर्न में इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया था। L&T का पहला ऑफिस एक छोटे से कमरे में था जिसमें सिर्फ एक टेबल और कुर्सी रखने की जगह थी। शुरुआत में टुब्रो और लार्सन यूरोपियन प्रोडक्ट्स, खास तौर से डेनिश इक्विपमेंट्स को भारत लाकर बेचते थे, जिससे उन्हें काफी प्रॉफिट भी होता था। लेकिन इस कंपनी को शुरू करने के एक साल बाद ही World War II की आग भड़क उठती है और यूरोप से प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट करके इंडिया लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वॉर के दौरान ज्यादातर यूरोपियंस अपने देश वापस लौटने लगते हैं, जिसे देखकर लार्सन एंड टुब्रो भी वापस डेनमार्क जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि नाजी जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में ये डेनमार्क जाने का इरादा कैंसिल करके यही इंडिया में रहकर ही अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का डिसीजन लेते हैं। और फिर कुछ टाइम इधर उधर हाथ पैर मारने के बाद इन्हें युद्ध में डैमेज हुए पानी के जहाजों को रिपेयर करने का काम मिल जाता है। इसके लिए ये मुंबई के सांता क्रूज में एक छोटी सी वर्कशॉप खोलते हैं और L&T के अंडर ही हिल्डा लिमिटेड नाम की एक नई कंपनी बनाते हैं, जो कि स्पेशली जहाजों को रिपेयर करने का ही काम करती है। इसके बाद आता है साल 1940, जब इस कंपनी के हाथ में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती है, क्योंकि पहली बार इन्हें टाटा ग्रुप के लिए काम करने का मौका मिलता है। असल में टाटा ग्रुप सोडा ऐश यानी कि वॉशिंग सोडा का प्लांट खोलना चाहता था, जिसके लिए वो जर्मन इंजीनियर्स को हायर करने वाला था। लेकिन World War II के दौरान उन जर्मन इंजीनियर्स को नजरबंद कर दिया गया था, जिस वजह से टाटा का ये प्रोजेक्ट डिले होने लगा। और जब टाटा ने देखा कि युद्ध तो बढ़ता ही जा रहा है, तो और इंतजार न करते हुए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लार्सन एंड टुब्रो को सौंप दिया। L&T के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसमें वो किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं चाहते थे। इसीलिए वो प्लांट के इंस्टॉलेशन को लेकर सबसे पहले खुद को एजुकेट करते हैं, बारीकी से इसकी सारी प्रोसेस को समझते हैं और फिर बहुत ही कम समय में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके टाटा का भरोसा जीत लेते हैं। इसके बाद 1945 में जब World War II खत्म होता है, तो फिर इंडिया में आजादी की लड़ाई तेज हो जाती है, जिसे देखकर L&T को अंदाजा हो जाता है कि अगर भारत आजाद हुआ तो फिर यहाँ इंफ्रा डेवलपमेंट बहुत तेज हो सकता है। और क्योंकि इस फील्ड में सिर्फ कुछ गिनी चुनी कंपनियां ही हैं, ऐसे में अगर वो इस इंडस्ट्री में एंटर कर लें तो फिर अच्छी खासी ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। इसी बीच 1946 में L&T को हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी को खरीदने की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि उस समय World War II खत्म होने के बाद से काफी सारी कैटरपिलर मशीनें बहुत अफोर्डेबल प्राइस पर मिल रही थी। लेकिन इन मशीनों को खरीदने के लिए जितनी बड़ी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट थी वो L&T की कैपेसिटी में नहीं थी। और फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लार्सन एंड टुब्रो इक्विटी डाइल्यूट करके फंडिंग रेज करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि L&T कंपनी को अभी तक लीगली रजिस्टर्ड नहीं किया गया था।
ऐसे में ये दोनों दोस्त साल 1946 में अपनी कंपनी को लार्सन एंड टुब्रो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से लीगली रिटर्न में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं और फिर इक्विटी डाइल्यूट करके कैपिटल रेज करते हैं। इस तरह से हैवी मशीनें खरीदने के लिए पैसों की यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एलएनटी के साथ ही साथ 1946 में ये दोनों दोस्त अपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड यानी कि ईसीसी नाम की एक अलग कंपनी भी बनाते हैं, जो कि आज भी एलएनटी का कंस्ट्रक्शन डिवीजन है। कंपनी बनाने के बाद बहुत ही जल्द उन्हें वेस्टर्न रेलवे, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और एसीसी जैसे बड़े क्लाइंट्स मिल गए। और फिर इस सफलता के बाद 1947 तक एलएनटी ने भारत के तीन बड़े शहरों मद्रास, कलकत्ता और दिल्ली में अपने ऑफिस खोल लिए। इसके बाद 1948 में एलएनटी ने मुंबई के पवई एरिया में 55 एकड़ की जमीन खरीदी, लेकिन ये जमीन दलदल और जंगल से भरी हुई थी, जिसको देखकर लोगों को लगता था कि एलएनटी ने इसे खरीदकर एक बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है, क्योंकि उस टाइम पर इस जमीन का कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन एलएनटी के फाउंडर्स के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि उनका सपना था कि इस जमीन को एक इंडस्ट्रियल हब में बदल दिया जाए, जहां फैक्ट्रीज, वर्कशॉप और रिसर्च सेंटर्स बनाए जाएं। आगे चलकर उन्होंने इस जमीन को डेवलप करने का काम शुरू किया। सबसे पहले जमीन को समतल किया, फिर ड्रेनेज सिस्टम बनाए और धीरे धीरे एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया। और अब अगर हम 2024 में देखें तो वही जमीन जिसे लोग बेकार समझ रहे थे, आज एलएनटी का एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन चुका है। पवई में आज एलएनटी के कई सारे ऑफिसेस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और आरएनडी सेंटर्स हैं, जहां से वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। लेकिन इस जमीन को खरीदने में कंपनी का काफी कैपिटल खर्च हो गया था और आगे बढ़ने के लिए उन्हें फिर से पैसों की जरूरत पड़ी। लेकिन अब लार्सन एंड टुब्रो को समझ आ गया था कि इस फील्ड में काफी कैपिटल की जरूरत होती है, जो कि सिर्फ इक्विटी बेचने से पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए दिसंबर 1950 में एलएनटी को पब्लिक कंपनी बना दिया गया। और दोस्तों, जैसे ही कंपनी पब्लिक हुई, उन्हें शेयर्स के बदले में 20 लाख रुपए की फंडिंग मिली, जो कि आज के समय में लगभग 30 करोड़ रुपए के बराबर होते हैं। अब यहाँ तक एलएनटी सिर्फ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स पर ही काम कर रही होती है, लेकिन इस कंपनी को पहला हाई बजट प्रोजेक्ट मिलता है 1956 में, जब इन्हें श्रीलंका में एक ब्रिज बनाने का काम सौंपा जाता है। असल में ये ब्रिज द ब्रिज ऑन द रिवर क्वाई नाम की एक फिल्म के लिए बनाया जा रहा था, और इस पुल को बनाने में 8 महीने का समय लगा, जिसे कि 30 सेकंड में ही डिस्ट्रॉय कर देना था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आई इसके बजट में, क्योंकि शुरुआत में इसका बजट 8 लाख रुपए तय हुआ था, लेकिन पुल को बनाने में 16 लाख रुपए का खर्चा आ गया। और फिर जब कंपनी ने फिल्म के प्रोड्यूसर सैम स्पेगल से एक्स्ट्रा कॉस्ट की मांग की, तो उन्होंने देने से साफ इनकार कर दिया। इस सेटलमेंट के लिए सॉरेन टुब्रो खुद श्रीलंका जाते हैं और प्रोड्यूसर से पैसे देने की गुजारिश करते हैं, लेकिन सैम स्पेगल पेमेंट करने की बजाय उल्टा टुब्रो पर चिल्लाने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। इस बात पर टुब्रो प्रोड्यूसर को एक कोर्ट का ऑर्डर थमाते हुए बहुत ही सहजता से जवाब देते हैं, ठीक है सर, फिर आप भी फिल्म के क्लाइमेक्स में ब्रिज को नहीं उड़ा पाएंगे। असल में इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान फिल्म के एक्टर शूटिंग कंप्लीट करने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ऑर्डर की वजह से प्रोड्यूसर चाहकर भी ब्रिज पर शूट नहीं कर सकते थे। ऐसे में मजबूर होकर सैम स्पेगल को टुब्रो की बात माननी पड़ती है और कंपनी को पूरे पैसे देकर वो फिल्म का क्लाइमैक्स शूट कर पाते हैं। बता दें कि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई थी कि इसने ऑस्कर भी जीता था और फिल्म के साथ ही ये ब्रिज भी काफी फेमस हो गया था। ये प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद से 1956 में कंपनी मुंबई के बेलार्ड स्टेट एरिया में आईसीआई हाउस नाम की एक बिल्डिंग खरीदती है, जिसका नाम बदलकर एलएनटी हाउस रख दिया जाता है, और आज यही एलएनटी हाउस इस कंपनी का हेडक्वार्टर है। इसके बाद 1965 में एलएनटी को एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी तब मिलती है जब डॉक्टर होमी भाभा, जो उस समय एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने एलएनटी को न्यूक्लियर रिएक्टर्स के कंपोनेंट्स बनाने का इम्पोर्टेंट काम सौंपा। उस समय न्यूक्लियर एनर्जी का फील्ड भारत में बिल्कुल नया था और ये काम भी काफी टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स माना जाता था, लेकिन एलएनटी ने इस चैलेंज को इनोवेशन और अपने हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ में सक्सेसफुली कंप्लीट करके दिखाया। और इस प्रोजेक्ट ने न सिर्फ एलएनटी की टेक्निकल एबिलिटी को साबित किया, बल्कि इन्हें नए चैलेंजेस का भी सामना करना सिखाया। और फिर इनकी इसी काबिलियत को देखकर 1970 के दौरान इसरो के फाउंडर डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भी एलएनटी को अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन के प्रोजेक्ट के लिए पार्टनर बना लिया। ये एलएनटी के लिए एक और बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ, क्योंकि स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसे एडवांस और फ्यूचरिस्टिक क्षेत्र में काम करने का मौका पाकर एलएनटी ने खुद को एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर के रूप में एस्टेब्लिश कर लिया था। इसी बीच सोरेन क्रिस्टियन टुब्रो भारत में लगभग 3 दशकों तक काम करने के बाद से वापस अपने वतन डेनमार्क लौट गए।
हालांकि 1981 तक वह L&T के बोर्ड से जुड़े रहे, लेकिन इसके बाद 1982 में उनका निधन हो गया, जो कि L&T के लिए एक बड़ा नुकसान था। वहीं दूसरी तरफ लगातार 4 दशकों तक काम करने के बाद 1978 में कंपनी के दूसरे फाउंडर हैनिंग हॉल्क लार्सन ने भी चेयरमैन के पद से रिटायरमेंट ले ली और भारत में ही रहने लगे, क्योंकि भारत में रहते हुए उन्हें यहां से इतना लगाव हो गया था कि इंडिया को ही वो अपना दूसरा घर कहते थे। उन्होंने यहां की नागरिकता भी ले ली थी और अपना आखिरी समय मुंबई में ही बिताया। लार्सन के इस्तीफे के बाद से NM देसाई को चेयरमैन की सीट सौंपी गई और फिर उनकी लीडरशिप में भी L&T ने कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया, जैसे कि 1980 के दौरान L&T ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO के साथ में अपनी पार्टनरशिप की शुरुआत की। हालांकि उस समय गवर्नमेंट ने L&T को डायरेक्टली डिफेंस इक्विपमेंट बनाने का लाइसेंस तो नहीं दिया था, लेकिन फिर भी कंपनी ने DRDO के साथ मिलकर डिजाइनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और फिर धीरे धीरे ये पार्टनरशिप इतनी मजबूत हो गई कि आज L&T मिसाइल सिस्टम और सबमरीन जैसे कॉम्प्लेक्स डिफेंस प्रोजेक्ट में भी DRDO के ही साथ मिलकर काम करती है और भारत के डिफेंस सेक्टर में भी ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपनी बन चुकी है। इसके बाद से CR रामाकृष्णन के लीडरशिप में 1986 के दौरान दिल्ली के फेमस लोटस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ, जो कि अपने यूनिक आर्किटेक्चर और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। और दोस्तों, L&T ने अपने बिजनेसेस को इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी एग्रेसिवली एक्सपेंड किया है और आज के टाइम पर यह 50 से भी ज्यादा देशों में काम कर रही है। अब दोस्तों, इस समय तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था और कंपनी भी नए नए टारगेट्स को हिट करती जा रही थी, लेकिन 2001 में कुछ ऐसा हुआ कि L&T का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। अब इस पूरी स्टोरी को समझने के लिए हमें 80s की शुरुआत में जाना होगा, जब दुबई बेस्ड एक इंडियन बिजनेसमैन मनु छाबरिया की नज़र L&T पर पड़ी। मनु चाहते थे कि वो इस कंपनी को एक्वायर कर लें, इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे करके 1998 तक L&T के 1.5% स्टेक खरीद लिए। मनु की इस मंशा को L&T के उस समय के चेयरमैन AM नायक भांप चुके थे, इसीलिए उन्होंने इस मामले में इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति धीरूभाई अंबानी से मदद मांगी। धीरूभाई अंबानी ने इस टेक ओवर अटेम्प्ट को रोकने के लिए काफी मदद की और L&T के 12.5% स्टेक को खरीद लिया, जो कि आगे चलकर 18% तक एक्सपेंड हो गया। इसके कुछ समय बाद धीरूभाई कंपनी के बोर्ड मेंबर बन गए और साथ ही उन्होंने अपने बेटों मुकेश और अनिल अंबानी को भी बोर्ड में शामिल कर लिया। यह देखकर AM नायक को अब ये डर सताने लगा था कि कंपनी पर कहीं रिलायंस का ही कब्जा ना हो जाए। और फिर साल 2001 में कुछ ऐसा हुआ कि नायक की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गईं, क्योंकि अंबानी परिवार ने अपने 18% स्टेक्स बिरला ग्रुप की ग्रासिम इंडस्ट्रीज को बेच दिए। ग्रासिम का सीमेंट बिजनेस था और L&T भी सीमेंट इंडस्ट्री में थी, इसीलिए दोनों के बीच में डायरेक्ट कॉम्पिटिशन हुआ करता था और कुमार मंगलम बिरला खुद भी L&T को काफी समय से एक्वायर करने का सपना देख रहे थे, इसीलिए बिरला की ग्रासिम ने L&T में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए ओपन ऑफर पेश किया ताकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपना शेयर उन्हें बेच दें। L&T के लिए ये एक बहुत मुश्किल समय था, लेकिन AM नायक ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी कंपनी को बचाने का एक नया तरीका निकाला, L&T एम्प्लॉय ट्रस्ट। इस इनिशिएटिव के तहत L&T के एम्प्लॉयज को कंपनी के शेयर्स खरीदने का मौका दिया गया। साथ ही नायक ने उनसे अपील की कि हमें इतना अच्छा काम करना होगा कि कंपनी के रिजल्ट शानदार आए और इसके शेयर की कीमत भी ऊपर ही बढ़ती जाए। साथ ही इस पूरे मामले को सेबी के पास भी ले जाया गया, जिसके बाद से सेबी ने मार्केट को फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रखने और मार्केट मैनिपुलेशंस के कॉन्सर्न को देखते हुए बिरला ग्रुप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो L&T के और ज्यादा शेयर्स नहीं खरीद सकते। इसी बीच नायक और L&T एम्प्लॉय ट्रस्ट ने भी कंपनी को बचाने की पूरी ताकत लगा दी थी। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई, क्योंकि साल 2003 में बिरला ग्रुप ने एक शर्त के साथ L&T में मौजूद अपनी सारी हिस्सेदारी कंपनी को वापस कर दी थी। एक्चुअली शर्त ये थी कि बिरला को L&T का सीमेंट डिवीजन चाहिए और इस डिवीजन को लेकर वो L&T का पीछा छोड़ देंगे। आखिरकार ऐसा ही हुआ और L&T ने अपना सीमेंट डिवीजन बिरला को बेच दिया, जिसे कि आज हम अल्ट्राटेक के नाम से जानते हैं। इस प्रॉब्लम से निकलने के बाद कंपनी की ग्रोथ काफी स्टेबल हो गई। हालांकि एक तरफ तो इसका ध्यान अपनी कॉमर्शियल सक्सेस पर था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोशल वेलफेयर के लिए भी ये कंपनी अपना बहुत बड़ा योगदान दे रही थी। जैसे कि 2002 में गुजरात के अंदर एक भयंकर भूकंप आया था, जिसमें बड़ी संख्या में बिल्डिंग्स खास करके स्कूल्स पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। ऐसे में इसका असर बच्चों की एजुकेशन पर भी पड़ने लगा था और फिर ये सब देखकर L&T ने
बिना कोई पैसा लिए ही 10,000 प्राइमरी स्कूल्स के कंस्ट्रक्शन का बीड़ा उठाया। और कमाल की बात तो ये है कि हर स्कूल को बनाने के लिए उन्होंने सिर्फ 80 दिन का समय लिया, ताकि बच्चों की पढ़ाई जल्द से जल्द शुरू हो सके। इस तरह से कंपनी ने भारत के सोशल वेलफेयर में भी कई बड़े बड़े योगदान दिए, और साथ ही नई नई कंपनीज को एस्टेब्लिश और एक्वायर करके ये खुद को भी डिफरेंट फील्ड में डाइवर्सिफाई करते गए। और दोस्तों, इन्हीं स्ट्रेटेजीज की वजह से ही 1999 में जहां इसका रेवेन्यू जो 5,000 करोड़ रुपए था, वो 2017 में बढ़कर 1,25,000 करोड़ रुपए हो गया। जबकि आज इस कंपनी का मार्केट कैप 5.22 ट्रिलियन रुपीज तक पहुंच चुका है। और दोस्तों, ये सब पॉसिबल हो पाया है लार्सन एंड टुब्रो के विजन, उनकी मेहनत और कभी हार ना मानने वाले जज्बे की वजह से, जिसने इंडिया को एक ऐसी कंपनी दी जो हमेशा देश के डेवलपमेंट के प्रति समर्पित रही है।